हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीसी फार्मासिस्ट। मेरा नाम है बेबी और आज का हमारा टॉपिक है आर्बिटोन सिरप। तो दोस्तों, जिनके शरीर में खून की कमी होती है और पोषण की कमी होती है उन्हें आर्बिटोन सिरप दिया जाता है। तो दोस्तों, और इसे कौन से कंडीशन में यूज़ किया जाता है आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल करें ताकि ऐसी ही मेरी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आप आर्बिटोन सिरप की पैकिंग देख सकते हैं। 200 ml की इसकी पैकिंग होती है। मार्केट में आपको ये 168 रुपये में मिल जाती है, 168 रुपीज़ में। और दोस्तों, मेडले फार्मास्यूटिकल्स इसकी मैन्युफैक्चरर है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कैल्शियम होता है, फेरस ग्लूकोनेट होता है, आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है और विटामिन B12 होता है। तो ये काम कैसे करता है दोस्तों? तो जिनके शरीर में पोषण की कमी होती है या खून की कमी होती है, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में जो पोषक तत्व होते हैं, शरीर हमारा उसको अवशोषित नहीं करता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल बनना कम हो जाते हैं। तो आर्बिटोन सिरप काम कैसे करता है? तो इसमें जो भी विटामिन B12 होता है वो हमारे शरीर को, और ये जो कैल्शियम होता है ये हमारे शरीर को मिनरल प्रोवाइड करता है। तो वो हमारे शरीर को मिनरल्स देता है, जिसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसमें जो ये फेरस ग्लूकोनेट होता है और विटामिन B12 होता है, ये क्या करता है? तो ये हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल बनने में मदद करता है, जिसकी वजह से अगर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होने में काफ़ी सहायता मिलती है और नर्व्स डेवलपमेंट में, और इससे हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल बनता है। तो रेड ब्लड सेल बनेगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा तो हमारे शरीर में जो खून की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसे किस कंडीशन में यूज़ करना है? तो दोस्तों, जिनके शरीर में खून की कमी होती है उन्हें आर्बिटोन सिरप दिया जाता है, उस कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जिनके शरीर में आयरन की कमी होती है उस कंडीशन में इसे यूज़ किया जा सकता है। जिनके शरीर में पोषण की कमी होती है उन्हें भी ये दिया जाता है। और दोस्तों, जिन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, थकान लगती है, सुस्ती महसूस होती है, उस कंडीशन में भी इसे दिया जाता है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें अक्सर देखा जाता है कि खून की कमी हो जाती है। तो जिससे क्या होता है, उनके बच्चों के डेवलपमेंट में तकलीफ़ होती है या फिर आगे ऑपरेशन की और बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो अगर हमारे शरीर में खून की कमी होगी ही नहीं तो ये सब तकलीफ़ें होंगी ही नहीं। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, अगर वो आर्बिटोन सिरप पीती हैं तो उससे उनके खून की कमी पूरी हो जाती है, जिससे उनके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट और नर्व डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और ये हमें मिनरल भी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। और दोस्तों, आगे वीडियो को ऐसे देखें, क्योंकि कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं तो उसकी पूरी जानकारी लेना ज़रूरी है ताकि कल को हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो दोस्तों, इसके डोज की बात करें तो बड़े, अगर कोई बड़ा है तो वो खाना खाने के बाद सुबह 2 चम्मच ले, शाम को 2 चम्मच ले, मतलब 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाना खाने के बाद ले। और इसे दिन में 2 बार ही ले, 2 बार से ज़्यादा ना ले, नहीं तो ये नुकसान करता है। और अगर बच्चा है तो उसे आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद दें और उससे ज़्यादा ना दें। अगर बच्चा 2 साल से कम है तो उसे ये आर्बिटोन सिरप ना दें। और जिन्हें अस्थमा की तकलीफ़ है वो भी आर्बिटोन सिरप लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसके डोज की बात। तो इसका बेनिफिट क्या है? तो अगर आप आर्बिटोन सिरप लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो खून की कमी वो पूरी हो जाती है और आयरन की कमी पूरी हो जाती है। हम स्वस्थ अच्छा महसूस करते हैं, थकान कमजोरी जैसा फील नहीं होता है
और जो महिलाएं गर्भवती हैं वो ये सिरप लेती हैं तो उनके में भी शरीर में खून की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है और बच्चा स्वस्थ रहता है। और जिनको पोषण की कमी है, जो कि खाना खाते हैं तो शरीर में नहीं लगता है, तो वो भी ये सिरप लेते हैं तो उनकी ये कमी आर्बिटोन सिरप पूरी करता है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसके डोज और बेनिफिट की बात। तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर आर्बिटोन सिरप लेने के बाद आपको उल्टी आती है, चक्कर जैसा महसूस होता है और कॉन्स्टिपेशन जैसा महसूस होता है, या फिर आपका जो आप लैट्रिन जाते हैं तो स्टूल का कलर अगर काला होता है, दांत काला हो जाता है, मुंह में कड़वा कड़वा लगता है, तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह लें। और दोस्तों इसे लेना कब नहीं है, तो अगर आप कोई नशा करते हैं तो आप आर्बिटोन सिरप न लें। और दोस्तों जब भी आप सिरप लेते हो तो पहले उसे अच्छे से शेक करो, अच्छे से हिलाओ, उसके बाद लो। और एक पॉइंट और दोस्तों मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जिन लोगों के शरीर में आयरन की कमी होती है वो जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ये सिरप पिए, तो इससे जो ये सिरप होता है इसमें जो होता है अपना ये फेरस ग्लूकोनेट, ये ना वो खाने के पोषक तत्वों को अच्छे से अब्सॉर्ब करता है, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दोस्तों जिन्हें अस्थमा की तकलीफें हैं वो ये सिरप लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ले। 2 साल से कम बच्चे को आप ये न दें। और दोस्तों जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, आज भी कहूँगी, आप कोई भी मेडिसिन खुद ले रहे हैं या फिर बच्चे को दे रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन खुद ले या फिर बच्चे को दे। इसी के साथ दोस्तों मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।